हैदराबाद सिटी पुलिस के जेर एहतमाम 3 रोज़ा इंडियन स्टाइल रेसलिंग मुकाबले कोतवाल केसरी का इतवार की शाम इख्तिताम हुआ। बता दें कि हैदराबाद पुलिस की जानिब से पहली बार पुराने शहर के खोली कुतुब शाह स्टेडियम में मुनक़िद होने वाले इन कुश्ती मुकाबलों में तकरीबन 260 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिनमें महकमे पुलिस के 6 और 14 खवातीन शामिल थीं। सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने कोतवाल केसरी मुकाबले के फातेह को 1 लाख रुपये का चेक बतौर इनाम अता किया। हैदराबाद सिटी पुलिस साउथ जोन पुलिस के ज़रिए कोतवाल केसरी के नाम पे पहला कुश्ती का कंपटीशन, रेसलिंग कंपटीशन यहाँ पर हुआ है कुली कुतुब शाह स्टेडियम में। बहुत खुशी की बात है कि ये बहुत अरसों के बाद, बहुत सालों के बाद ये रेसलिंग कंपटीशन का आयोजन जो है हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से हो रहा है। इसमें हमारे अफसरान काफ़ी मेहनत किए हैं और स्पॉन्सरशिप्स भी लेकर आकर आज ये जो भी वेट कैटेगरीज में जो जीते हैं, जो भी हारे हैं, थर्ड प्लेस में आए हैं, सभी को कैश रिवॉर्ड्स के साथ साथ मेरिट सर्टिफिकेट्स और मोमेंटोज भी उनको दिया गया है। आप सबको मालूम है कि कुश्ती की लड़ाई जो है आज एक ओलंपिक स्पोर्ट है। ओलंपिक्स में हमारे देश के तरफ से, मुल्क के तरफ से काफ़ी लोग ओलंपिक्स में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स भी आजकल जीत रहे हैं। तो इसके ये कंपटीशन, ये रेसलिंग कंपटीशन के ज़रिए हम भी हैदराबाद, अभी जो हरियाणा, चंडीगढ़ जैसे प्रांत हैं जहाँ से रेसलर्स आते हैं, दिल्ली, हम हैदराबाद से भी जो देश के लिए लड़ सकते हैं, ओलंपिक्स में भाग ले सकते हैं, वैसे पहलवानों की तैयारी करने के लिए हम आगे चलकर और भी स्टेप्स लेंगे। रेसलिंग एसोसिएशन फेडरेशन जो है उनके साथ बातचीत करके तालुकात जो है ये रेसलिंग कंपटीशन के पॉइंट सिस्टम हो, जो भी हो, आगे चलकर इसकर सालाना इसको करने की इजाज़त हम लेंगे और उसको और भी आगे चलकर और अच्छे तरीके से और कैश सर्टिफिकेट्स और मेरिट्स भी आने के लिए हम कोशिश करेंगे। इस कंपटीशन में 260 रेसलर्स पूरे कैटेगरीज में हिस्सा लिए हैं। हैदराबाद शहर के और आजू बाजू के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से भी आए हैं पहलवान। खुशी की बात यह है कि महिलाओं का भी, खवातीन का भी इसमें भाग हुआ है और उन्होंने भी मेडल्स कंपटीशन में, उनका कुश्ती लड़ने का जो तरीका है बहुत ही अच्छा रहा है। आज बहुत खुशी की बात है कि मैं बैठकर यहां आकर बैठ के ये पूरे फाइनल्स देख सका हूं, जो भी जीते हैं और उनको प्राइजेस देने में भी बहुत खुशी की महसूस किया हूँ मैं। आगे चल के साउथ जोन पुलिस श्री साई चैतन्य और एडिशनल DCP आनंद और पूरे हमारे ACPs, इंस्पेक्टर सब लोग इसमें बहुत मेहनत किए हैं, उन सबको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं और मैं जो भी स्पॉन्सरशिप किए हैं उनको मैं उनका शुक्रगुजार हूं और आगे चल के जो ये कंपटीशन करने वाले हैं उसका भी स्पॉन्सरशिप वो करते रहेंगे, ये हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज सबको मैं शुक्रिया अदा करते हुए, हाँ, मैं ये सालाना कोतवाल केसरी कुश्ती का जो कंपटीशन है सालाना करने की कोशिश हम करेंगे और इसके साथ साथ कोतवाल का क्रिकेट कप जो है उसका भी हम सालाना करने की इजाज़त लेंगे और उसके लिए स्पॉन्सरशिप और उसका किस तरीके से उसका आयोजन किया जाए, किस तरीके से उसको किया जाए सो दैट हमारे पुलिसिंग में भी, कम्युनिटी पुलिसिंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कम्युनिटी से हम मिले और आवाम से मिलजुल कर पुलिसिंग करें, इसीलिए ये कोतवाल क्रिकेट कप और कोतवाल केसरी ये जो कंपटीशन सालाना हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से हम ज़रूर इसका करेंगे आगे चलकर।